जो आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि यहाँ सोमदत्त करंजेकर हैं, वो भी आप ही की पार्टी से थे, उनका पहले काफी लगाया, फिर आपका काफी लगाया, तो एक ऐसे लग रहा है कि जैसे का पीछा कर रहे हैं। उनका उनका प्रचार का रास्ता अलग, हमारा अलग। बेरोजगार युवकों को कैसे आप रोजगार देंगे? ये युवाओं को रोजगार कैसे दे सकते हैं? तो गवर्नमेंट की नौकरियां तो हम लोग ऐसे दिलवा नहीं सके। जो युवा है अगर पढ़ लिख कर दूध उत्पादन करेगा, तो वो युवा आज का ना खेती करने के लिए तैयार है, ना दूध उत्पादन के लिए तैयार है। उसका कहना है कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कोई नौकरी चाहिए। सकोली विधानसभा में इन दिनों माहौल एकदम गर्म है। नाना पटोले सोमदत्त करंजेकर के बीच मुकाबला कांटे का है। वहीं महायुति से भाजपा उम्मीदवार अविनाश ब्राह्मणकर काफी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम हर किसी बेरोजगार युवा को नौकरी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि युवाओं को दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहिए या कोई भी ऐसा काम करें जिससे उसकी आजीविका चल सके, वो सरकारी नौकरी के पीछे ना पड़े। उनसे जब पूछा गया कि अच्छा पढ़ा लिखा और काबिल युवा भी आज बेरोजगार है, तब भी उनका जवाब था कि युवा दूध उत्पादन पर ध्यान दे। इस दौरान नाना पटोले पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। वहीं जब हमने उनसे पूछा कि सोमदत्त करंजेकर के काफिले के पीछे पीछे आप चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनका पीछा कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे सवाल थे जिन्हें सुनकर अविनाश ब्राह्मणकर थोड़ा असहज भी हुए। आप भी देखें हमारे एसोसिएट एडिटर मनीष कुमार अंकुर के सवालों के उन्होंने क्या जवाब दिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं परसौड़ी गांव में हूं और मेरे साथ महायुति के जो प्रत्याशी यानी कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अविनाश ब्राह्मणकर जी, वो मेरे साथ हैं। उनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि उनका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है और वो किस तरीके से चुनाव प्रचार चला है। पहले तो आपका स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस। सबको मेरा नमस्कार, जय भीम जय सेवा जी। जो आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जैसे देखा सोमदत्त करंजेकर हैं, वो भी आप ही की पार्टी से थे, उनका पहले काफी लगाया, फिर आपका काफी लगाया, तो एक ऐसे लग रहा है कि जैसे आपस में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक सहयोग था कि हम लोग एक ही गांव में आ गए। उनका उनका प्रचार का रास्ता अलग, हमारा अलग। चले, एक चीज और मेरा सवाल है, जो बड़ा सवाल है, यहाँ पर नाना पटोले का कहना था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेरे सामने खड़े हो जाए तो वो चुनाव हार जाएंगे, इस तरीके की गारंटी देते, तो ऐसी गारंटी क्यों है कि वो मतलब सीना ठोक के कहते हैं? नहीं नहीं, ये तो घमंड वाली बात हो गई कि मोदी भी आ जाए तो भी मैं चुनाव नहीं हारूंगा। नहीं, ये तो बयान आपने भी सुना होगा। नहीं, मैंने भी सुना है। ये कुछ लोग जो है जो चापलूसी करते हैं, तो मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो नाना पटोले के सुनने में आएगा और वो सुनने के बाद बहुत खुश हो जाएगा और फिर मेरे को जरा ज्यादा प्यार करेगा, इसलिए बोला जाता है। चलिए, आपका क्या विजन है, क्या विजन लेके आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या ऐसा करने वाले हैं, या आपके चुनावी जो एक तरह से मैं मैनिफेस्टो कहूँ वो क्या है, लोगों को क्या चीज देने वाले हैं, और बेरोजगार युवकों को कैसे आप रोजगार देंगे, क्या चीज करेंगे, वो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। देखिए, दो चीजें, दो विषय ऐसे है कि जो हम प्रायोरिटी पे लेंगे, एक तो किसानी और दूसरा युवा, है ना। अभी हमारे एरिया में पिछले 25 साल से बहुत सारे प्रकल्प जो है सिंचन के, ये पिछड़ रहे, इसका काम ही नहीं हो रहा है। जैसे साकोली तालुका में का चुलबन प्रकल्प हो गया, ये प्रकल्प के अंदर में 23 से 24 गांव आते थे, आज उसको शुरू होके 40 साल हो गए। खुद वर्तमान आमदार के गांव में भी उसका पानी जाना चाहिए था अभी तक के, वो पानी तो उनके खुद के गांव में भी नहीं गया। और जो आजू बाजू के गांव है, जैसे सासरा हो गया, भेरगांव बुराड़िया हो गया, और काफी गांव है, ये गांव के खेतों तक के वो पानी गया ही नहीं अभी तक के। तो ये काम हम लोग प्रायोरिटी से करेंगे। अभी हम लोग जिस गांव में खड़े हैं, तो भी ये मेरे गांव से काफी दूर है, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से, यहाँ पे भी एक 49 गांवों का, एक करजखेड़ा का, मुझे धारगांव टप्पा दो करके एक प्रकल्प है, जिसका पाठ पुरावा आदरणीय परिणय जी फुके, माजी पालक मंत्री, इन्होंने भी किया था, यहाँ के कुछ लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे और उसके लिए कोशिश की थी, और आने वाले टाइम पे हम लोग भी उसका पूरा का पूरा जो फॉलोअप है, पाठ पुरावा करेंगे हम लोग भी। और ऐसे जो भी प्रकल्प है जो हमारे किसानों के लिए मददगार साबित हो गए, उस सभी प्रकल्पों का हम लोग पाठ पूरा करेंगे, फॉलोअप करेंगे। दूसरी तरफ जो युवा है,
ये युवाओं को रोजगार कैसे दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट की नौकरियां तो हम लोग ऐसे दिलवा नहीं सकेंगे, तो गवर्नमेंट की नौकरियां तो हम लोग ऐसे दिलवा नहीं सकेंगे, वो उनको अपने मेरिट पे मिलाना है। लेकिन गवर्नमेंट की नौकरियों के अलावा युवा क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे साइड में किसानी के साथ में एक पूरक धंधा है दूध उत्पादन का, तो जितना ज्यादा दूध उत्पादन हमारे युवक करेंगे उतना ज्यादा पैसा घरों में आएगा। अभी आपने दूध उत्पादन के बारे में बोला, जो युवा है अगर पढ़ लिख कर दूध उत्पादन करेगा तो वो, क्योंकि जाहिर सी बात है युवा आज का ना खेती करने के लिए तैयार है, ना दूध उत्पादन के लिए तैयार है, ना मतलब जो इस टाइप की चीजें है वो करने के लिए तैयार नहीं। देखिए उसका कहना है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कोई नौकरी चाहिए। देखिए हर किसी को सरकारी नौकरी लगती है, हर किसी को सरकारी नौकरी लगती है, वो खुद के मेरिट पे मिलाना पड़ता है, कोई नेता की जरूरत नहीं है, किसी ने मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, अच्छा परसेंटेज है, अगर आप बराबर ट्रेनिंग ले रहे हो और अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो काफी लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां भी मिल जाती है, लेकिन हर बच्चा उसमें एब्जॉर्ब हो नहीं सकता। अच्छा मेरा एक अंतिम सवाल है, जो एक तो पहला पैराशूट उम्मीदवार बताया जा रहा है, दूसरा बताया जा रहा है कि आप राष्ट्रवादी से थे भाजपा में नहीं थे, राष्ट्रवादी से आप भाजपा में अचानक से कैसे आए और कैसे टिकट मिला? गलत बात है, मैं पैराशूट से उतरा हुआ नहीं हूँ, मैं तो मोटरसाइकिल से हर गांव में जाके लोक संपर्क करने वाला आदमी और काम भी करता हूँ। एक बार पंचायत समिति चुन के आया, दो बार जिला परिषद में चुन के आया, तो मैं नहीं भाजपा से नहीं, मैं अपक्ष पंचायत समिति से आया, दो बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आया, और बहुत सोच समझ के जो निर्णय है अचानक दो दिन में चेंज हुआ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं क्योंकि ये पहले से नहीं अपनी, था। लोग अपनी सुविधा से बात करते हैं, लेकिन अभी नहीं वो ठीक है, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले त्रिकोणीय अभी क्योंकि लग रहा है पूरी तरह से, क्योंकि वो भी जोर लगा रहे हैं, उधर नाना पटोले भी जोर लगा रहे हैं, अभी जोर लगा रहे हैं, खैर जीतेंगे वो 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसकी जीत हो रही है किसकी हार होनी है। खैर मैं सवाल ले रहा हूँ वो ये है कि ऐसा तो नहीं कि नाना पटोले को फायदा हो जाए इसमें? नहीं देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं कि वो त्रिकोणीय सामना है, वो भी जोर लगा रहे, हम भी जोर लगा रहे, देखिए ताफे में बहुत सारी गाड़ियां लगाने से ये कब कब साथ में थे लोगों के जरा बताए, ये कभी पिताजी तो राजनीति नहीं, नहीं 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 उनका भी पैटर्न वैसा ही था। हाँ। वो कभी मैंने आज भैया टिकट काटा गया नहीं, नहीं काटा नहीं गया, इसके लिए लोगों के लिए रस्ते पे आके लड़ने का काम इन्होंने कभी भी नहीं किया, नेवर, ये कभी कोई मीटिंग में नहीं थे। अच्छा तो आपने आपने वो सब किया? जी 28 साल से कर रहा हूँ, रोज करता हूँ, लोगों के काम में हूँ, अगर पंचायत समिति सदस्य रहा, दो बार जिला परिषद सदस्य रहा, तो ये मैं जो काम करता हूँ उसके भरोसे पे रहा।